हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ची क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल पैटर्न बताने जा रही हूँ, जिसे हम पाइल क्रस बास्केट वेव स्टिच निटिंग पैटर्न बोलते हैं। ये टोटल 8 रोज का पैटर्न है और ये 12 के मल्टीपल और प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच में बनके तैयार होता है। इसे हम अपने किसी भी बेबी ब्लैंकेट पे, स्वेटर पे, जेंट स्वेटर पे डाल सकते हैं। ये राइट साइड से कुछ ऐसे दिखाई देता है और ये रॉन्ग साइड से ऐसे दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं इस पैटर्न को बनाने के लिए। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपनी नीडल पे टोटल 27 स्टिचेस लिए हैं, 12 का मल्टीपल 24 और प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच। तो शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो राइट साइड। स्टार्टिंग में पहले हम 3 स्टिचेस को सीधा बुनेंगे, निट 3 स्टिचेस, 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होगा, रिपीट पैटर्न शुरू होगा। यान इन फ्रंट, धागे को आगे करेंगे एंड पर्ल 9 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देन यान इन बैक, धागे को पीछे करेंगे एंड निट 3 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। यही हम पूरा पैटर्न पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। एंड रिपीट पैटर्न स्टार्ट इज पर्ल 9 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यान इन बैक, निट 3 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। सेकेंड रो रॉन्ग साइड, पर्ल 3 स्टिचेस स्टार्टिंग के 3 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। देन यान इन बैक। अब इसके आगे से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। रिपीट पैटर्न इज निट 9 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यान इन फ्रंट, धागे को आगे किया एंड पर्ल 3 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। पूरी रो में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। एंड रिपीट पैटर्न इज यान इन बैक, धागे को पीछे किया और 9 स्टिचेस को सीधा बुना, निट 9 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यान इन फ्रंट, धागे को आगे किया एंड पर्ल 3 स्टिचेस, 1, 2 एंड 3। 3 स्टिचेस को उल्टा बुन लिया। थर्ड रो इज सेम एज ऑफ द रो 1। नेट 3 स्टिचेस, पहले 3 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद से हमारा पैटर्न शुरू होगा। यान इन फ्रंट, धागे को आगे किया एंड पर्ल 9 स्टिचेस को उल्टा बुना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यान इन बैक, धागे के पीछे किया, 3 स्टिचेस को सीधा बुनेंगे, निट 3 स्टिचेस, 1, 2 एंड 3। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। एंड रिपीट पैटर्न इज यान इन फ्रंट, पर्ल 9 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 3 स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। फोर्थ रो हम सारी की सारी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द फोर्थ रो। फिफ्थ रो में स्टार्टिंग पे हम 6 स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे, पर्ल 6 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
यार्न इन बैक धागा पीछे करेंगे। अब इसके आगे से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। निट थ्री स्टिचेस हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। देन यार्न इन फ्रंट धागे को आगे करेंगे एंड पर्ल 9 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। पूरी रो में हम यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। यार्न इन बैक, निट 3 स्टिचेस, 1, 2 एंड 3। अब लास्ट में हमारे पास 6 स्टिचेस बचेंगे, तो इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे। यार्न इन फ्रंट एंड पर्ल 6 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिक्स रो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 6 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे। निट 6 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन यार्न इन फ्रंट। अब इसके आगे से हमारा पैटर्न शुरू होगा। पर्ल 3 स्टिचेस, 1, 2 एंड 3। 3 स्टिचेस को उल्टा बुन लिया। देन यार्न इन बैक, धागे को पीछे करेंगे एंड निट 9 स्टिचेस। 9 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देन यार्न इन फ्रंट। पूरी रो में हमने अपना यही पैटर्न रिपीट करने जाना है। लास्ट में हमारे पास 9 स्टिचेस बचेंगे, तो यार्न इन फ्रंट करके इनका क्या करेंगे, हम 3 स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे। पर्ल 3 स्टिचेस, 1, 2 एंड 3। देन यार्न इन बैक, धागे को पीछे करेंगे एंड निट 6 स्टिचेस। 6 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेवंथ रो सेम है जैसे हमने अपनी 5th रो बनाई थी। 7th रो इज सेम एज ऑफ 5th रो। स्टार्टिंग के 6 स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे। पर्ल 6 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन यार्न इन बैक एंड पीट पैटर्न स्टार्ट इज नेट 3 स्टिचेस। 3 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1, 2 एंड 3। देन यार्न इन फ्रंट, धागे को आगे करेंगे, 9 स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे। पर्ल 9 स्टिचेस। यार्न इन बैक। पूरी रो में हमें अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाना है। लास्ट में हमारे पास 9 स्टिचेस बचेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, 3 स्टिचेस सीधे बुन लेंगे। निट 3 स्टिचेस। देन यार्न इन फ्रंट, धागे को आगे करेंगे एंड 6 स्टिचेस को हम उल्टा बुनेंगे। पर्ल 6 स्टिचेस। एट्थ रो सारी की सारी हम उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द 8th रो। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द 8th रो हमारे पास ये पैटर्न ऐसे बनके तैयार हो गया। आफ्टर द 8th रो हम अपनी फिर से 1, 2, 8 रो रिपीट करते जाएंगे, तो हमें कंटिन्यूली खूबसूरत सा ये पैटर्न मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉइंग निटिंग विद अस।